टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर दर्स ऑफ इशूज एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केयरवर्कवर्क इज एक्चुअली द केयरवर्क अगेंस्ट आवर चाइल्ड फॉर द न्यू बोर्न एंड द फॉर द स्मॉल किड्स देखिए जो बच्चों की देखभाल है घरों के अंदर माएँ करती हैं या बाप करते हैं या फैमिली मेम्बर्स करते हैं उसे हम केयर वर्क करते हैं सो स्टेट्स हैव फेल्ड टू टेक माईर्स टू इंक्रीज द सोशल वैल्यू अकॉर्डिंग टू केयर वर्क बहुत सी स्टेट्स ने पॉलिसीज बनाई हैं कि केयर वर्क जो हैं वो उसको एक्नोलेज किया जाए क्योंकि ये अनपेड है ना माएँ जो अपने बच्चों की देखभाल करती हैं उसकी मुआरे में कोई इस तरह से वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की जाती जिसको आप इकोनॉमिक वैल्यू कहें सिवाय इसके ठीक है वो माँ का फर्ज़ है उसको अपने बच्चे का ध्यान करना चाहिए इसके अलावा उसको हम इकोनॉमिक वैल्यू में कोई जगह नहीं देते अब ये देखें कि अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पॉलिसीज 25 फाइव आउट ऑफ वन जीरो सेवन सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज एंड फोर्टी वन आउट ऑफ टू सेवेंटी ई एस टी पॉलिसीज एक्सप्रेस एन इंटेंट टू एड्रेस अनपेड केयर कंसर्न एंड अमंग दैट द मेन फोकस वॉज ऑन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द फैमिली टू द स्टेट यानी 107 में से सिर्फ 25 पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो केयर डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करती हैं वो भी ये कहती हैं कि फैमिली से या मदर से लेके स्टेट को ये ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए कि वो बच्चों का ख्याल करें और लेकिन फिर भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं उसमें इसको कोई जगह नहीं दी जाती हालांकि एक माँ का कितना वक्त इसके अंदर सर्फ होता है जाहिर है अगर वही वर्क वही टाइम वो किसी और एक्टिविटी में लगाएगी तो वो बहुत कुछ कमा भी सकती है या और कोई प्रोडक्शंस कर सकती है तो उसकी अहमियत तो फिलहाल है अगर फ़र्ज़ करें औरतें नहीं करती मर्द करते हैं तो उनका भी वक्त तो लगेगा तो इसलिए बात यह है कि हुकूमतों को केयर वर्क को एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी तस्लीम करना है जो कि आप देख रहे हैं अभी तक बहुत कम मुल्कों ने ऐसा किया है एफर्ट टू इनक्रीज वुमेंस पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्सिस रिडिट्रीब्यूशन ऑफ केयर वर्क और दैट शिफ्ट अवे फ्राम वेमेंस वर्क देखिये अगर हम इकनॉमिक वर्क फोर्स में औरतों को जाने की इजाजत देते हैं तो ऐसी सूरत में भी हम केयर वर्क उनसे नहीं हटा सकते जाहिर है अपने बच्चे को तो उन्होंने ही पालना है बहुत सी ऐसी काम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डे केयर या इस तरह की चाइल्ड हुड फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं अभी तक जैसे अमेरिका में दो सिस्टम चलते हैं एक में वो कहते हैं कि ये फैमिली सिस्टम है जिसमें वो आ, कुछ बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं डे केयर टाइप और एक जो चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सिस्टम चलते हैं, वो हैं अब इसमें हम ये देखते हैं कि अगर वर्कफोर्स में ख़वातीन आ भी जाती हैं तो उनको Uh, मज़ीद अपने बच्चों का ध्यान तो करना है उसकी जिम्मेदारी ना कोई स्टेट लेती है एज सच और ना ही बाकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो लेते हैं या ख़ास तौर पर उनके वालद अब वालद जो हैं वो अगर केयर करने को तैयार भी हैं तो आफ्टर वर्किंग आवर्स और वर्किंग आवर्स जो हैं वो अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं वो उनके रिड्यूस नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो केयर वर्क को एक्नॉलेज नहीं करते या वो ये समझते हैं कि जो वालद हैं वो वर्क नहीं करने वाले मिसाल के तौर पर अभी आप देखें कि सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ इन मैनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज डू नट एजीकुटली प्रोवाइड फॉर पेटर्निटी लीव पटर्निटी लीव वो जो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को तो मैटर्निटी लीव मिलती है ना लेकिन बाप को भी कुछ मुल्क पटर्निटी लीव देते हैंरत है अंगेज़ तौर पर पटर्निटी लीव बस ज़्यादा से ज़्यादा तीन हफ्ते है या फिर एक हफ़्ता जो आम ममालिक में चलता है उनका ख्याल है कि वो एक हफ़्ता उसकी केयर के लिए काफ़ी है तो दूसरे लफ्ज़ों में जो सारा बोझ केयर वर्क का है वो माँ पर है इसमें कोई बुराई नहीं अगर इस केयर वर्क को एक्नॉलेज किया जाए तो इकोनॉमिकली इसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता या दूसरे लफ्ज़ों में इसकी कोई इकोनॉमिक वर्थ नहीं है जबकि इसको देखें सबसे बड़ी जो आपकी प्रोडक्शन है वो तो बच्चा ही है ना अगर एक बच्चे को केयर वर्क दिया जाएगा वो बड़ा होकर एक मुफीद शहरी बनेगा तो वही सारे कारोबार हयात चला रहा है ना बाद में जो इंसान हैं वही आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा है तो क्यों ना आप केयर वर्क को भी इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा समझें और उसको भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में शामिल करें मिसाल के तौर पर ओनली सेवेंटी नाइन कंट्रीज ऑफ पेटर्निटी लीव आप देखिए पूरी दुनिया के ममालिक में से सिर्फ सेवेंटी नाइन ऐसे हैं जो फिर भी पटर्निटी लीव को एक्नॉलेज करते हैं कि भाई कुछ टाइम बच्चे को इब्तदाई तौर पर वालद की तरफ से भी दिया जाना चाहिए दूसरा ये है जैसे हमने अर्ज़ किया कि इसको प्रोडक्टिव समझा जाना चाहिए कि अगर केयर वर्क माँ कर रही है तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा समझा जाए उसको एक्नॉलेज किया जाए अब होता यह है कि अगर बच्चे को इन इब्तदाई दिनों में ठीक से केयर नहीं मिलती तो वो एक मुफीद शहरी नहीं बन सकता वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है वो सोशल इमोशनल प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है साफ ज़ाहिर है बहुत सी ऐसी चीज़ें आजकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं बहुत सी बीमारियां हैं इलनेस है सिकनेस है, है ये सारी चीज़ें भी अगर वक्त पे कंट्रोल नहीं होती या छोटे बच्चे को इब्तई तबी इमदाद नहीं मिलती तो आने वाले दिनों में वो एक मज़बूत सेहतमंद और स्टेबल uh, या बैलेंस्ड शहरी नहीं बन सकता जिसकी वजह से माशरे के मसाइल जो हैं वो बहुत बढ़ेंगे तो हमारे माहरीन जो चाइल्ड पर बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इकनॉमिक ग्रोथ में चाइल्ड केयर को शामिल करें